नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक सक्सेना और आप देख रहे हो बीके राज चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं इजी स्केच प्रो 3 कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड। जिन्हें नहीं पता है इजी स्केच प्रो 3 क्या होता है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि यह एक प्रकार का व्हाइट बोर्ड एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड। जैसे कि ये देख सकते हैं, मैं ओपन कर देता हूँ इसको। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ पे इसका इंटरफेस बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस लिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, सेव प्रोजेक्ट। मतलब आप कोई नया प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। ओपन प्रोजेक्ट मतलब जब आप कोई सेव प्रोजेक्ट, आप कोई भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसको अगर आप सेव कर देंगे तो उसके बाद यहाँ से ओपन कर सकते हो। और सेव एज पे, जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पर सेव करना है, कहाँ पे आप जो वीडियो बना रहे हैं वो कहाँ पे सेव करना है, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे सेव करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये साइज जो है ये काफ़ी अच्छी साइज नहीं है। तो यहाँ पे सेटिंग पे जाते हैं और यहाँ से हम साइज चूज करते हैं 1280x720। उसके बाद यहाँ पे हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको कोई कलर लेना है यहाँ पे, तो आप यहाँ से कलर दूसरा ले लीजिएगा, जैसे कि ये देख सकते हैं। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। ये देख सकते हैं, ये कलर कुछ इस तरह का हो गया। तो मतलब आप अपने हिसाब से कलर ले लीजिएगा जो आपको कलर रखना होगा। उसके बाद मान लीजिए हम कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि ये एक ही तरह आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। मान लीजिए हमको कोई टेक्स्ट लिखना है, हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ वीके राजा, जस्ट मैंने टाइप कर दिया। और यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि जो ये फॉन्ट है इसका स्टाइल किस तरह से, मतलब ये जो अक्षर दिख रहा है इसका कुछ अलग स्टाइल हो, तो यहाँ से आप स्टाइल चूज कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से स्टाइल इसका ले सकते हो। तो जस्ट मैं यहाँ पे ये वाला रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं कलर चूज कर लेता हूँ, मुझे किस कलर में ये अच्छा रखना है, यहाँ से चूज कर लीजिए। इस पर क्लिक करिए, उसके बाद ओके क्लिक करिए। ये जस्ट देख सकते हैं, ओके मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं दो टाइप करता हूँ, ये देख सकते हैं आ गया। तो चलिए हम इसको यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और अगर बड़ा छोटा करना चाहें यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर हम बड़ा छोटा कर सकते हैं लेफ्ट की दबा के, जैसे कि देख सकते हैं। और यहाँ से घुमा भी सकते हैं, मतलब इस तरह से हम कर सकते हैं। तो चलिए हम इतना बड़ा ही रहने देते हैं, ठीक। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमको कोई इमेज ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेज मिल जाती हैं, जैसे कि आप जिस कैटेगरी के इमेज चूज करना चाहें, यहाँ से अल्फाबेट दिया है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे हैंड स्टाइल चूज करता हूँ, जैसे कि हैंड शेप, ये जस्ट देख सकते हैं। तो चलिए भाई यहाँ से हम चूज कर लेते हैं ये वाला, यहाँ पे ये आ गया। अब चलिए हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब आप जहाँ पे रखना चाहे आप रख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये फुटेज बड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे ये साइड में भी कर सकते हैं, मतलब ये लैपटॉप की स्क्रीन की साइज का है, तो यहाँ पे पूरा ये स्क्रीन दिख नहीं रहा है। तो चलिए हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमें इसको रखना है, यहाँ पे रखना है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने इसको रख दिया। अब हम चाहते हैं कि हम बोलते रहें और ये जो एनिमेशन कर रहा है ये आता रहे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे वॉइस ओवर पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे जस्ट मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, ये रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया, ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो जस्ट मैं स्टॉप पे कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ये देख सकते हैं ये ऐड हो चुका है। तो चलिए हम इसको प्रीव्यू करके दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं, तो अभी मैंने बहुत चीज़ें नहीं बताई है, तो इस वीडियो में ये सब मैं क्लियर करने वाला हूँ। आप एकदम ध्यान से देखिएगा कि जिससे कि आप कोई चीज़ भूले ना, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए हम इसमें म्यूजिक भी ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि म्यूजिक पर जाते हैं और ये बिल्कुल फ्री है, नो कॉपीराइट, मतलब कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम प्ले करके इसको देख सकते हैं। जैसे कि मैं जस्ट प्ले करता हूँ, ये फुल जो कि आवाज़ में है, तो हम इसको आवाज़ यहाँ से कम कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इतना रहने देता हूँ, प्ले करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ये प्ले हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं इसको। अब जैसे कि ये ऐड कर लिए, अब हमारा म्यूजिक भी चलेगा और हमारी जो वॉइस चलेगी वो वॉइस भी चलेगी। तो ये जस्ट ऐड होने में थोड़ा सा समय लेता है, मतलब थोड़ा स्लो होता है काम। तो ये ऐड हो गया। अब चलिए हम यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई वीडियो ऐड करना है हमको, यहाँ पे हम वीडियो कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए हम वीडियो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे ब्राउजर में, उसके बाद यहाँ से आप कोई भी वीडियो चूज कर लीजिए। जैसे कि मैं कोई वीडियो चूज कर लेता हूँ,
तो फिर हमने वीडियो चूज कर लिया और यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, काफ़ी लंबी वीडियो है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो फिर हमने वीडियो ऐड कर ली, अब ये पूरी स्क्रीन में आ गया, इसको हम छोटा कर लेते हैं, दो बार इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कोने पे लाते हैं, जस्ट हमने इसको छोटा कर दिया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा जैसे रखना होगा आपको। उसके बाद चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब जैसे कि ये हमारा जो स्लाइड है ये भर चुका है, अब हमें एक नई स्लाइड लेनी होगी, यहाँ पे हम न्यू स्लाइड ले लेते हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए अब हम इस पर वर्क करेंगे, तो चलिए हम इसको पहले यहाँ पे पूरा करते हैं। तो जस्ट हम प्ले करके दिखाते हैं ये किस तरह से प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फोटो कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए हम कोई खुद की इमेज ऐड करनी है तो उसको कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इमेज पे चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे लोड इमेज फॉर पीसी, जस्ट यहाँ पे ब्राउजर पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ अपना चूज कर लीजिएगा जहाँ से आपको ऐड करना होगा। चलिए हम यहाँ से एक इमेज ऐड कर लेते हैं, तो हमने इस इमेज को ऐड कर लिया। चलिए यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करते हैं, ये जस्ट यहाँ पे आ चुका है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा दो पार्ट टैप करके, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा छोटा हो गया। तो हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए हैं, चलिए ठीक है। तो चलिए अब मान लीजिए ये पहले नंबर पे है, चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, अब हमको करना है क्या है, ये मान लीजिए ये पहले नंबर पे आ जाए, इस पर हम राइट पे क्लिक करते हैं, पहले बार दो बार इसको टैप कर देते हैं, उसके बाद राइट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर अप का ऑप्शन आ रहा है, चलिए तीन हो गया, अब इसको हम दोबारा फिर करते हैं, दो हो गया, ये आएगा फर्स्ट नंबर पे, ये दो नंबर पे चला गया, आप अपने हिसाब से इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें बन चुकी हैं, अब आपको करना क्या है, आप जो ड्रैग करते हैं वो आपका जो हाथ का स्टाइल है, यहाँ पे हैंड पे चले जाइए, यहाँ पे अपने हाथ का स्टाइल चूज कर लीजिए, चाहे जो भी यहाँ पे हैंड चूज करना है, यहाँ पे बहुत सारे मेल फीमेल हैंड है, मतलब अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगेगा, ढेर सारे हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक ले लेते हैं, अब इससे ड्रैग करता हुआ नज़र आएगा। और फ्रेंड दिक्कत कभी कभी ये आती है कि ये बहुत जल्दी ड्रैग कर लेता है और समय नहीं लगता या बहुत जल्दी कर लेता है, तो दिक्कत होती है, तो हम इस पर डबल टैप करते हैं, उसके बाद राइट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, तो यहाँ पे टाइमिंग ड्रा का ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे 3 सेकंड से यहाँ पे कुछ इस तरह का आ रहा है, तो हम बड़ा घटा सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब आपको जितने देर ड्रा करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये न्यू स्लाइड, इस पर हम क्लिक करते हैं, आप इस पर कुछ भी वर्क करना चाहें आप कर सकते हैं, मतलब इसी तरह से जो मैंने पहले बताया आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अपने हिसाब से, या आप यहाँ पे न्यू स्लाइड चाहे जितने स्लाइड पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव करना होगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक करिए, एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना फाइल चूज करिए, जैसे कि मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ, सेव पर क्लिक करने के बाद नेम ऑलरेडी, तो यहाँ पर बोला नाम तुम्हारे पास ये पहले से है, तो ये दोबारा हो रहा था, जस्ट चलिए मैं कर देता हूँ, है क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, ये सेव हो रहा, तो ये देख सकते हैं ये बना रहा है, उसके बाद ये सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड सेव होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जब तक कि आपकी ये जो वीडियो होती है पूरी प्ले होके ख़त्म नहीं हो जाएगी तो इतना समय लगेगा। तो फ्रेंड मुझे आशा कि मैंने जो समझाने की कोशिश की, जो बताने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा और आगे आप कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।